नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे झारखंड राज्य का राज्य अभिलेखागार कहां पर है। तो दोस्तों इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये जो सवाल है यह झारखंड से हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने किया है कि सर झारखंड में राज्य का जो राज्य अभिलेखागार है वह कहां पर है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि राज्य अभिलेखागार जो है आपके जो राज्य मुख्यालय होते हैं, यूं कहे तो राजधानी, जो राज्य का राजधानी होता है वहां पर आपको मिलेगा। मतलब कि आपको झारखंड का राज्य अभिलेखागार जो है वह आपको रांची में मिलेगा। आप रांची से वहां पर जो भी जमीन संबंधित कागजात हैं, राज्य का जो अभिलेखागार है वहां से आप पता कर सकते हैं और निर्गत भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही होता है कि जो आपका जिला अभिलेखागार होता है वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा जो उपलब्ध ना हो तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन ज्यादातर जो है मिल ही जाता है। तो बेटर यही होता है कि आप अपने जिला के अभिलेखागार में जाएं और वहां से जो भी आपको पेपर चाहिए जमीन संबंधित जो वहां उपलब्ध होता है वो आप वहां से निर्गत कर सकते हैं। राज्य में जाते हैं तो राज्य भर का वहां पर उपलब्ध होता है, लेकिन राज्य में जरूरी नहीं है कि सभी डिस्ट्रिक्ट का वहां पर अवेलेबल हो, होना तो चाहिए। हालांकि जो राज्य है तो वो राजधानी है, राजधानी है तो राज्य अभिलेखागार में होना चाहिए सभी जिला का, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको सभी जिला का डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक सूची तैयार किया हुआ रहता है, आप जाएंगे तो देखेंगे कि उस सूची में जिस भी डिस्ट्रिक्ट का जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर उपलब्ध है उसमें लिखा हुआ रहता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी डिस्ट्रिक्ट का मिल ही जाए या फिर सभी प्रखंड का मिल ही जाए, सभी मौजा का मिल ही जाए। ठीक है, तो बेटर यही होता है कि आप अपने जिला के अभिलेखागार में जाए, वहां से पता करें, वहां से निर्गत करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कराना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।